Good morning, my dear students, and welcome to the second part of the video of chapter number 1. That is, computer, a smart machine. In the previous video, we had learned about the difference between natural and man-made things, and we had also learned about the meaning of a smart and what is a machine. Now, in this module, we are going to learn about the machines more nicely. So, let's start the video. Here what it is written, spelling of machines is M-A-C-H-I-N-E-S, machines. Let us read it out and see what it is given in the book. Machines are man-made things. Students, in the previous class I told you about now what is a man-made things, means the things which are created by human beings. Human beings matlab insaan. Aisi cheeze jisko insaan ne banaya hai, usko kya bolte hai? Man-made things. So machines ko bhi kisne banaya hai? Insano ne. That is why machines are man-made things. They make our work easy. Yes, I already told you na कि जो मशीन्स होते हैं हमारे काम को इजी बनाते हैं. दे ऑल्सो हेल्प अस टू डू आवर वर्क फास्ट एंड सेव आवर टाइम. मशीन्स हेल्प अस टू डू आवर वर्क क्विकली ना. सपोज अगर बिना अगर हमारे पास कोई भी मशीन्स नहीं होते तो हमको काफ़ी काम करने में कितना टाइम लगता है. लाइक योर मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल है आप लोगों के घर में, पापा चलाते होंगे. अगर मोटरसाइकिल ना बनती तो हम लोग को एक जगह से दूसरे जगह जाने में कितना ज़्यादा टाइम लगता. कार अगर नहीं होती तभी भी हम लोग को स्कूल जाने में, बाहर घूमने जाने में कितना टाइम लगता किसी जगह पहुँचने में. तो ये सारी चीज़ें हमारे काम को ईजी ही तो बनाती है ना. नेक्स्ट इज़ अ फ़ैन. अ फ़ैन इज़ अ मशीन that help us to stay cool in summer. Fan is also a machine and it help us to stay cool na. कभी कभी होता है जब लाइट चली जाती है घर में और तब फैन नहीं चलता, तो मम्मी क्या करती है, जो हैंड फैन होता है, जो हाथ से घुमाने वाले पंखे होते हैं, उसकी मदद से हवा करती हैं. क्या उससे उतनी ही तेज़ हवा आपको मिलती है जितना इस मशीन वाले फ़ैन से मिलती है? नो, because that hand fan is not a machine. वो एक mechanical machine है जिसमें हम लोग को बार बार उसको चलाना पड़ता है जिससे हम लोग थक जाते हैं. लेकिन ये जो electronic fans होते हैं वो automatic machine होते हैं, मतलब ये खुद से चलते हैं. Next is an aeroplane. Spelling of aeroplane is A-E-R-O-P-L-A-N-E. An aeroplane is a machine that flies in the air. Now next is aeroplane, and what is the work of an aeroplane? It fly in the air. ये हवा में उड़ने वाली मशीन से. लेकिन इसका काम क्या होता है? It helps us to travel long distances in a short time. अगर हमको कहीं दूर जाना है, किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जल्दी से जाना है, या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है, तो या तो ट्रेन्स वहाँ जाती नहीं हैं, और अगर ट्रेन्स जाती भी हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. तो उसी टाइम को बचाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? एरोप्लेन का. एंड एरोप्लेन इज़ आल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट मशीन. नेक्स्ट इज़ अ कैलकुलेटर. कैलकुलेटर मैंने आप लोगों को बताया था. अ कैलकुलेटर इज़ अ मशीन दैट हेल्प्स अस टू डू सम. हेयर इज़ अ कैलकुलेटर. कैलकुलेटर क्या करता है? किसी भी सम को फटाफट करने में हेल्प करता है. लाइक 30 + 30 = 60. देखिए एक सेकेंड में आंसर आ गया. और देखते हैं हम लोग सम्स करके इसमें. 12 + 5 = 17. देखा कितनी जल्दी जल्दी ये मशीन हमारा काम कर देते हैं. ओके स्टूडेंट, देयर इज़ वन एक्सरसाइज गिवन. Let us solve this exercise. Given below a few pictures, take the ones that are machines. यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए हुए हैं, हमको उसमें टिक करना है जो कि एक मशीन है. First is a bicycle.
बाईसाइकिल इज ऑल्सो मशीन. जो साइकिल होती है ना वो भी एक तरीके से एक मशीन ही है, लेकिन ये मैकेनिकल मशीन्स होती है. मैकेनिकल मशीन मतलब जिसको हम लोग को साथ साथ चलाना पड़ता है. तो हम लोग साइकिल को भी तो चलाते हैं ना, लेकिन ये भी हमारा हमको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में हेल्प करती है ना फटाफट. नेक्स्ट इज़ अ बुक. अ बुक इज़ नॉट अ मशीन. तो हम यहाँ क्रॉस कर देंगे. नेक्स्ट इज़ एन आयरन. आयरन कपड़े आयरन करने में हेल्प करती है ना. अगर कपड़े में क्रीजेस रहते हैं तो उसको अच्छे से स्ट्रेट करने में हेल्प करती हैं. इट इज़ ऑल्सो अ मशीन. नेक्स्ट इज़ अ बॉल. अ बॉल इज़ नॉट अ मशीन. तो इसमें हम क्रॉस कर देंगे. ओके. नेक्स्ट इज़ सम मशीन्स वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी. वी ऑल नो जो मोस्टली जो मशीन्स होती हैं या तो वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है या फिर बैटरी से. इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीन्स जैसे टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, फैन, कूलर एंड वॉशिंग मशीन, ऑल दिस वर्क बाय इलेक्ट्रिसिटी. और बैटरी से चलने वाली मशीन्स हो गई आपकी मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप और आजकल जो स्मार्ट स्पीकर्स आ रहे हैं जिसमें सॉन्ग सुनने में जो हेल्प करते हैं वो भी किससे चलती हैं? बैटरी से, जिसको हम लोग को चार्ज करके रखना पड़ता है. लेट्स सी, लेट्स रीड इट टुगेदर. अ टेलीविजन सेट एंड द रेफ्रिजरेटर रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. लेट्स रीड इट अगेन. द टेलीविजन सेट एंड द रेफ्रिजरेटर रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. टेलीविजन मीन्स टीवी. स्पेलिंग ऑफ टेलीविजन इज TELEVISION. टेलीविजन SET. सेट. रेफ्रिजरेटर मीन्स जो फ्रिज होता है घर में उसको रेफ्रिजरेटर बोलते हैं. RE FRIGERATOR. दिस इज़ द स्पेलिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर. ये किससे चलती हैं? इलेक्ट्रिसिटी से. नेक्स्ट इज़ मोबाइल फ़ोन एंड रिमोट कंट्रोल वर्क ऑन बैटरी. जो मोबाइल फ़ोन होता है और जो टीवी का रिमोट होता है वो किससे चलता है? बैटरी से. पीपल लिसन टू म्यूज़िक यूजिंग आईपॉड विच अगेन रन्स ऑन बैटरी. कुछ लोग आईपॉड यूज़ करके म्यूज़िक सुनते हैं जो भी किससे चलती हैं? बैटरी से. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. Now we are going to learn about a computer. That what is a computer? Spelling of computer is COMPUTER. A computer is also a machine. Computer भी क्या है? एक मशीन ही तो है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और हमारा काम बहुत ही जल्दी और आसानी से कर देता है. It runs on electricity. This is how a computer looks like. Computer इस तरह से दिखता है. इसमें 4 parts होते हैं. Monitor, CPU, mouse and keyboard. A computer works very fast. जो computer होता है बहुत ही fast work करता है. A computer makes our work easy. हमारे काम को easy बना देता है. A computer never gets tired. कंप्यूटर कभी भी काम करते करते थकता नहीं है. जैसे हम लोग थोड़ी देर बाद थक जाते हैं, खेलने के बाद थक जाते हैं, कंप्यूटर कभी नहीं थकता. अ कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रिमेंबर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. कंप्यूटर अपने अंदर बहुत से इंफॉर्मेशन, जानकारी स्टोर करके रख सकता है इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट्स. ऐसी चीज़ें कंप्यूटर अपने अंदर स्टोर करके रखता है ना. आप मूवीज़ देखते हो कंप्यूटर में और सॉन्ग सुनते हो, पिक्चर्स आप लोग सेव करके रखते हो. अ कंप्यूटर कैन सॉल्व सम्स वेरी फास्ट. कंप्यूटर मैथमेटिकल सम्स, मैथ्स के प्रॉब्लम बहुत ही फटाफट सॉल्व कर सकता है. ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है. नाउ लेट्स सी सम बुक्स एक्सरसाइजेस. मैं आप लोगों को एक्सरसाइजेस समझा दूंगी, लेकिन आप लोगों को अपनी रफ कॉपी में इसको खुद से करना है. ओके.
Look at the picture given here, write N for natural things and M for man-made things. Then paste the correct sticker in the given outline. Students, आप लोगों को क्या करना है इसमें, अगर आप रफ कॉपी में कर रहे हो तो आप चाहे तो ड्राइंग भी बना के कर सकते हैं। आप लोगों को नेचुरल थिंग्स के सामने N लिखना है और मैन मेड थिंग्स के सामने M लिखना है। नेचुरल थिंग्स आपको पता है द थिंग्स विच आर क्रिएटेड बाय गॉड, जिसको भगवान बनाते हैं, और मैन मेड थिंग्स जो हम इंसानों ने बनाया है। तो ये हाउस क्या है, मैन मेड है, तो इसके आगे M लिखेंगे। मैं एक एक कर देती हूँ आप लोग ताकि अच्छे से कर सको। देयर इज़ अ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई को गॉड ने बनाया है, तो इसके आगे N लिखेंगे। ओके ऐसे ही आप दोनों कर लीजिएगा, कॉपी में इसकी सुंदर सी ड्राइंग बना के इसको कलर करिएगा और सामने लिख दीजिएगा M, मैन मेड और नेचुरल। और मुझे इसकी एक अच्छी सी फ़ोटो क्लिक करके भेजिएगा। सबको करना है ये होमवर्क। ओके एंड आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी सेफ एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय।